चलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी सात संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्लोक हमने पांच तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोक की ओर चलेंगे। तो इससे ऊपर के श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि कुछ लोग संन्यास और कर्म योग को अलग-अलग समझते हैं। तो ये दोनों ही, जो इस प्रकार संन्यास योग अर्थात जो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और कुछ लोग जो कर्म के द्वारा परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो कुछ लोग जो दोनों को अलग-अलग समझते हैं, भगवान कहते हैं कि वे मूर्ख हैं, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य होते हैं, परमात्मा को पाना। इसलिए जो मनुष्य संन्यास द्वारा या कर्म योग द्वारा जो भी हरि का सिमरन करता है, उसे पाना चाहता है, वो दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग तथा कर्म योग, इन दोनों का गंतव्य एक ही है, परंतु कर्म योग की सीढ़ी से ज्ञान मार्ग की प्राप्ति सुलभ है। परमात्मा का ज्ञान ही मानव जीवन का परम और उच्चतम लक्ष्य है, जिसे इन दोनों ही साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का मर्म केवल एक ही है, उस परम पिता परमेश्वर को पाना, उसके यथार्थ रूप को जानना। इसलिए कर्म योग भी उत्तम है और ज्ञान योग भी उत्तम ही है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः, योग युक्त तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणा दिगच्छति। बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान इसमें कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, कि केवल कर्म ही करता जाए या कर्मों को छोड़ दे और भक्ति ना करे, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको फिर भक्ति नहीं, बिना भक्ति के वो सुखी नहीं रह सकता। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। वो कितना ही विचारशील क्यों ना हो, लेकिन वो अगर हर काम परमेश्वर का नाम लेते हुए, उसका भजन सिमरन करते हुए करता है, तो वो ईश्वर की भी प्राप्ति, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान यह बता रहे हैं कि सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं। एक मायावादी सन्यासी, जो ज्ञान योग के अध्ययन अर्थात वेद शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा दूसरे वैष्णव सन्यासी, जो यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, मतलब वेद पुराण के अध्ययन के द्वारा ही कर्म भी करते हैं। तो वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, अर्थात वो एक तरह से कर्म योगी ही होते हैं। उन्हें धन वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वो भगवान की भक्ति में नाना प्रकार से कार्य करते रहते हैं, उस भगवान का सिमरन करते रहते हैं और उसकी सेवा में लगे रहते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी
जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। मतलब जो वेद, उपनिषद, पुराणों, इनके अध्ययन में लगते हैं तो उनकी योग साधना भी बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि वो उनका अध्ययन बहुत गूढ़ ज्ञानमय हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी इतने ध्यान में हो जाते हैं, इतने प्रभु चिंतन में, ब्रह्म चिंतन में हो जाते हैं कि कभी कभी उनका मन भटक भी जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। और जो परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं, और उन्होंने भी, उनके मन से जो सन्यासी बन गए हैं, भगवान कहते हैं कि उनको भी निश्चय ही भगवत धाम प्राप्त होता है। वो भी परम पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्मज्ञान के पथ से नीचे भी गिर जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि पुरुष हुए हैं, लेकिन कभी कभी किसी, जैसे हम अपने इतिहास में देखते हैं कि कोई अप्सरा के द्वारा या क्रोध के द्वारा या किसी और कारण से उनका जो एक जो सन्यासी वाला होता है वो टूट जाता है। जैसे मेनका को देख के ऋषि जी का वो सब तप जो था टूट चुका था, वो भोग विलास में चले गए। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दुर्वासा ऋषि, जहां पर उनकी जरा सी अवहेलना होती थी तो फौरन क्रोध में आ जाते थे। तो यदि सन्यासी होकर भी भोग विलास में और क्रोध में, माया में अगर लिप्त है, तो भगवान कहते हैं कि फिर इससे कोई फायदा नहीं है, वो फिर अपने पथ से नीचे गिर जाते हैं, कोई लाभ नहीं है उसका, चाहे उन्हें कितना ही आत्मज्ञान हो। और फिर से समाज सेवा, फिर उसका वो अपना जो है, उसका अपना जो पाप हो गया उसकी ग्लानि को दूर करने के लिए फिर वो समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते थे ताकि वो उसका प्रायश्चित कर सके। लेकिन यहाँ पर कहने का भाव ये है भगवान का कि हे अर्जुन, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके केवल संन्यास धारण कर परम ब्रह्म की प्राप्ति अत्यंत कठिन और दुष्कर है। कि कर्मों को ना करें और सिर्फ संन्यास धारण कर लें तो ये बहुत ही कठिन और दुष्कर है। ज्ञान के अभाव में केवल संसार तथा कर्मों का त्याग अधोगति अर्थात पतन की ओर ही मनुष्य को ले जाता है। कि ज्ञान नहीं है लेकिन इस संसार में वो कर्मों का कौन सा त्याग करना है, कैसे अपना निभाना है अपनी जिम्मेदारियां, तो अगर वो, उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। और इसलिए ज्ञान योग के साथ साथ कर्म योग भी करना चाहिए, जिससे मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाए। इसके विपरीत कर्म योग का पालन करते हुए बिना किसी फल की कामना के जो अपने कर्तव्य कर्म में करता रहता है, वही मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। कि अपना कर्म भी करना है और उस परम पिता से जुड़ना भी है जो ब्रह्म रूप से कर्मरत है। अतः अंतःकरण से मननशील है कि हर काम भी कर रहा है और उसके अंतर्मन में उस प्रभु का भजन सिमरन लगातार चल रहा है जो अंदर से मननशील है, ऐसा योगी अति शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। जो मन से योगी हो गया है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है और शीघ्र होती है। स्वामी विवेकानंद के पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति गया और बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है जिसे त्यागना चाहते हो? त्याग के लिए सबसे पहले वस्तु की प्राप्ति करनी पड़ती है, कर्म द्वारा प्राप्ति, फिर उस प्राप्ति को परमात्मा को अर्पण करके निर्लिप्त होना ही त्याग है। मतलब सब कुछ मिल जाए और उसके बाद जब परमात्मा कहे तो उसको, उसके हुक्म से वो जब वापस ले ले तो उसका मन में कोई वो भी दुख ना लगे। तो इस तरह जब वो निर्लिप्त होकर त्याग भावना कर देता है तो वही फिर असली सन्यासी बन सकता है। जैसे हम अगर अपने इतिहास में देखें तो राम हुए, जो इतने बड़े राज तिलक होने के बाद जब उनको उनके माता द्वारा कहा गया वरदान, जबकि कई माता ने वरदान मांगे दशरथ से कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए, और वो उन्हें 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से और आराम से वो चीज एकदम से ग्रहण कर ली कि ठीक है मेरी माता का ये हुक्म है। तो ये त्याग भावना, ये बहुत बड़ा त्याग होता है कि इतने बड़े राज सिंहासन का उन्होंने एक क्षण में
त्याग कर दिया। सीता जी का अगर उदाहरण लें तो वो भी अपने अपने पति की सेवा के लिए उन्होंने भी सारे राजमहल के सुख त्याग दिए। अहिल्या, शबरी, मीरा और लक्ष्मण जी, उनका तो ऐसा था कि ना तो उनको किसी ने इसके लिए कहा था कि आप राम जी की सेवा के साथ, राम जी के साथ वन में जाओ, ना ही उनका कोई उससे राजगद्दी से था, लेकिन फिर भी अपने भाई की, अपनी भाभी से, माँ समान भाभी की सेवा के लिए कि मेरा भाई अकेला ना वन में जाए, मेरी माता समान भाभी अकेले वन में ना जाए, उनकी सेवा के लिए और अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने भी राजमहल को त्याग दिया। तो इस तरह जो मन में बिना किसी उसके एक क्षण में सब कुछ त्याग की भावना होती है, वही असलियत में भगवान कहते हैं कि वही सन्यासी होता है। तो हर एक के मन में वो त्याग भावना होना बहुत जरूरी है, और ये त्याग शीघ्र ही किसी के मन में आसानी से नहीं आता, उसके लिए परमात्मा का सिमरन करना, उसकी सत्संग करना, तभी ये धीरे धीरे ये भावनाएं मन में जागृत होती है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री वाह, कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ श्री कृष्ण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। तुम हो स्वामी हम पुजारी तुम्हारे, तुम हो स्वामी नाथ पुजारी तुम्हारे, हे नारायण नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल बाके बिहारी लाल की लाल जय, की मेरे जय। सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप धन्यवाद संगीता जी। हाँ जी।